जवाब मैं इसमें एक और परस्पेक्टिव भी है और आ, आ, मैंने एक्चुअली इसके बारे में कहीं पे पढ़ा था कि अगर ये आ, कवालों के बारे में भी मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ किसी कोई एक स्पेसिफिक कवाल की बात नहीं कर रहा मैं एक जनरल प्रसप्शन की बात कर रहा हूँ सूफीज़म को प्रमोट करते हैं वो ठीक है सूफीज़म के ऊपर ज़्यादा बेस करते हैं उसके उसको 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 गाते हैं उसको उन उन वर्स का वो इस्तेमाल करते हैं कवाली का पचा लाख रुपये लेंदेको फंक्शन इसका में के हैं क्या है ये तो जी हमारे एक दोस्त है जुनेद नमशेद मेरे बहुत मतलब मेरे तो उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक था प्यार भी था तो जुनेद जो थे मुझे बड़ी अच्छी तरह ये बात याद है मैं मैं आपको थोड़ी सी ना कॉन्ट्रोडिक्शन बता रहा हूँ हमारी सोसाइटी की और उन लोगों के नाम लेके बता रहा हूँ जो सोसाइटी के टावरिंग फिगर्स थे तो हम बाद में आए ये हमारे से पहले के थे तो हुआ ये कि एक दफ़ा हमने टूर करना था अमेरिका का मेरा वो पहला टूर था टू थाउजेंड वन है मेरा टू थाउजेंड वन या टू थाउजेंड टू की बात है नाइन इलेवन हो चुका हुआ था अब मैं पहली दफ़ा जा रहा था टूर पे अमेरिका मैंने टू एलम निकाला था हाँ। तो उसमें हम जा रहे थे तो जुनेद उस जमाने में दाढ़ी भरदार थे दाढ़ी रखी हुई थी बड़ी और तबलीगी थी जमील मौलाना तारिक जमील के साथ होते थे इन्होंने हाँ, दाढ़ी कटा दी टोटल क्लीन शेव किया मैं मुइन अख्तर आ, बहुत बड़े नाम आपको पता है वो थे नदीम साहब उनका पूरा नाम तो मुझे नहीं पता जो हमारे एक्टर हैं बहुत बड़े बहुत बड़े एक्टर जो फिल्म एक्टर हैं जी हाँ वो थे आ, उसमें दो लोग थे खुशबू और बाज़ ये मियाँ बीवी थे, थे और ये जरा थोड़ा सा डांस का इनका एक वो था फैसल काजी थे वो एक कॉमेडियन है तो ये हमारा पूरा एक एन टू राज मेरा मैं बड़ा हैरान होता हूँ उस बात वो जब उन्होंने करवाई ना वो तो और चले गए तो ऐसी बातों बातों में क्योंकि इतना लंबा टूर था कोई सवा महीने का तो बातों बातों में जब बात निकली तो पता चला कि ही वॉन्ट टू मेक सम मनी सो दैट ही कुड इन्वेस्टड इन टू अ बिज़नेस सो ही टुक सम फतवा जो भी होता है फ्रॉम दब की जमात कि जी मैं अगर ये करने के लिए दाढ़ी कटा दूँ वापस आके फिर रख लूँ तो वो पैसा किससे कमाया म्यूज़िक से कॉन्सर्ट से वापस आके कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मेरे सामने हुआ मैं उसका तीद गवाह हूँ वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और हमारे जर्नलिस्ट थे बहुत बड़ा अच्छा मज़े की बात है फिर मोहसिन जाफर ने ये सवाल किया ये बंदा जो जो पी डी पी का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है कि जी ए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुनीद ने कहा मैं शुक्र करता हूँ कि मैंने ये काम छोड़ दिया और मैं दुआ करूंगा कि जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं उनको भी खुदा हदायत दे और वही छोड़ दें अच्छा तो उसने खड़े होकर पूछा मोहसिन जाफर साहब ने पूछा कि यार आपने जो इतने पैसे बनाए हैं लाइफ में आप वो सारे जो हैं वो आप दे रहे हैं मतलब या गरीबों को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को और आप अपने एसेट्स खत्म करें क्योंकि आपने तो हराम की कमाई इसका मतलब कमाई है इस पर जुनेद एकदम लाल चेहरा हो गया जुनेद का जुनेद ने कहा कि नहीं ये मैंने फतवा लिया है कि जो पहले आपके पास है सारा वो आपको वापस करना ज़रूरी नहीं है अच्छा तो रिलीजन को देखो मंजूर आप इतने आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट आदमी हैं मैं आपको ब्लॉग सुनता रहता हूँ आप मुझे बताएं कि रिलीजन तो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन जब आप इसको यूज़ करना शुरू करते हैं ना टू मेक योर पॉइंट स्ट्रांगर या टू एक्सप्लोइ अ फिलोसफी

मतलब सिंस mm. नाइन्टीज़ uh, उसके बाद टू थाउजेंड का एक डेकेड आता है और उसके बाद दो uh, हज़ार वैसे ऐसे बड़े पुराने हो गए मतलब अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ वी नाउ वी आर स्टार्टिंग इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लोगों के टेस्ट चेंज हो गए हैं uh, आपके ख्याल में अब वी हैव फॉलन बिहाइंड या जो अब म्यूज़िक बन रहा है वो एक्चुअली ज़्यादा बेहतर बन रहा है विद बेहतर फैसिलिटीज़ पैसा इसके अंदर अब ज़्यादा आ गया है डिफरेंट मीडियम से आ गया है यूट्यूब के जरिए लोग बहुत पैसा बनाते हैं अब अपना म्यूज़िक वहाँ पर रिलीज़ करते हैं बॉर्डर्स बा। खत्म होते जा रहे हैं मतलब अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप पाकिस्तान में दुबई से बैठ के आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या कहीं से भी आपके ख्याल में इसमें भी एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है बिल्कुल आई है ये और ये इससे नुकसान ये हुआ है कि आर्ट जो है वो उसके अंदर जो कॉम्पिटेंस थी और जो एक्सीलेंस थी जो कि मेरे जमाने में भी कम हुई मेहदी साहब के साथ मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता ना अपने आप को वो इतने उनका गला जो ऐसा तैयार था नूर जहां साहब आपके साथ नहीं कर सकता लता मंगेशकर साहब के साथ नहीं कर सकता किशोर कुमार साहब के साथ नहीं कर सकता वो वन टेक में गाते थे अच्छा। मतलब म्यूज़िक बजना शुरू हुआ और वो उन्होंने गाना है कोई आ, उसमें आप कट नहीं लगा सकते बाद में आप एक लाइन नहीं गवा सकते एक लफ्स नहीं या पंच कर सकते जो होना है उसी चार मिनट में होना है जो चार मिनट गा जी इतने ज़बरदस्त लोग थे कि उनके गाने सुने तो वो लगता है कि सुर में हेल ही नहीं रहे ऐसा सुर पक्का है तो मैं नहीं वो कर सकता अच्छा।, अच्छा मेरे जमाने में तो फिर भी हम लेकिन कुछ हद तक गा लेते थे अब मैं जो देख रहा हूँ ना सारों को नहीं कह रहा बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टार बने हुए हैं लेकिन वो गा नहीं सकते इस तरह अब ये नुकसान है कुछ मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जैसे नबील चौकत है नजम सेठी के बेटे हैं सेठी वो है आ, अमानत अली है चार पांच लोग ऐसे हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा गाते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको गाना नहीं आता लेकिन दूसरी तरफ फ़ायदा क्या है फ़ायदा ये है कि ट्यूनर लग गए हैं ट्यूनर अगर आपसे भी मैं गाना गवाऊँ ना मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ अगर अभी गाने का दिल किया ना तो मुझे बताइएगा <laughs> मैं आपको गाना रिकॉर्ड करके ऐसा उसको ट्यून करूँगा कि आप कहेंगे यार ये मतलब मैं तो बहुत ही अच्छा सिंगर हूँ <laughs> तो अब ये जो गैजेट्स हैं इसने म्यूज़िक तबाह कर दिया है दूसरी तरफ लेकिन उससे फ़ायदा क्या किया है कि ट जो है ना वो इतनी ज़्यादा हैं मुख्तु टोन्स मतलब ड्रम की टोन्स, टोन्ई की टोन गिटार की टोन कोई भी उठा ले मुँह उठा मतलब दुनिया में तबला टोन्स इतनी ज़्यादा हैं कि हर दफ़ा नया गाना आप मनाते हैं हर दफ़ा नया तो लोग ये जो नए लड़के, है ना, लड़के हैं ना, नए लड़के लड़कियाँ इनको डाइवर्सिटी चाहिए ये वाली कि हर दफ़ा नया गाना हर दफ़ा नया टोन नया तो वो मेरा ख़्याल है कि उससे वो म्यूज़िक जो है बिल्कुल चेंज हो गया